अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का दिन है सैटरडे, तो आज हम एक नए दोस्त को ट्राई कर रहे हैं जो मेरा जिम फैलो है। मॉर्निंग में मेरे साथ जिम एक्सेस करता है, तो जब मैं अपना ये ऐप शैप ट्रेन कर रहा था तो तब मुझे उसने बड़ा ज़्यादा हेल्प आउट किया उसमें। तो अभी का सीन ऐसे है कि अभी इसको उठाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। अभी कोई प्लान नहीं है कि क्या करना है, कुछ खाए पियेंगे और बाहर घूमेंगे तो उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये है वो दोस्त। ये क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन कराओ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ वाजिद भाई और मेरी दोस्ती जिम के अंदर हुई है। अच्छा, और ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए इकट्ठे एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप में आए हुए रिलेशनशिप में आए हुए। थैंक यू सो मच। तो आज आसिफ भाई जो है ना, इनको भी कीड़ा हो रहा था, कह रहे थे कि यार बाहर जाना चाहिए हमें, हमने बड़े ऐप्स ट्राई कर लिए हैं, बड़े ट्रेन कर लिए, डाइटिंग शाइटिंग हो गई हमारी, लेकिन बस वो जितने को ऐप्स बनने थे अपने वो बन गए, अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये कि मैंने कहा चलो थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, हाँ, और फिर खापी शापी हो जाए। तो अब मुझे बताओ आसिफ भाई कि अभी का प्लान कैसा है, कि आपने खाना क्या खाना है। खाना खाने चलेंगे अभी, बस पहले पहले ड्राइव करते हैं तो फिर सोचते हैं इसके बारे में। हाँ, जाते जाते सोच जाएंगे ना कि आगे हमने क्या खाना है। हाँ, और डाइटिंग वाला खाना है कि देखें जी, हमारी जो डाइटिंग प्लान थी वो तो हो गई खत्म। तो अब ये है कि अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमने डाइटिंग खानी है या क्या करना है, हमने जो दिल करेगा वो खाएंगे, जो मन को भाएगा वो खाएंगे। चलो जी, तो चलते हैं। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि भाई ने ना जूनी जुगनू ट्राई नहीं किया हुआ था पहले, तो अभी ऐसा है कि जूनी जुगनू आए हम, जो फेज 4 वाली ब्रांच है ना इसकी, वहाँ पे आए हुए। तो भाई आपने पहले जूनी जुगनू से ज़्यादा की बात है ट्राई नहीं किया, बस कभी चक्कर नहीं लगा इस तरफ, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और वैसे भी डाइट पे चलते हैं ना भाई, भाई की गेम्स कुछ ऊपर की है, जरा बात की है, सच बात बताए जरा। डाइटिंग तो खत्म हो गई अब, तो इसलिए मैंने कहा चलें वाजिद भाई आज ट्राई करवा देते हैं हमें कुछ ना कुछ। तो अभी हमने ऑर्डर किए हैं 2 चिकन रैप्स और विद चिपोटले एंड गार्लिक सॉस और विद चीज, ठीक है। तो कोई साथ हमने स्प्राइट जीरो ली है, ये कंपलसरी है, क्योंकि उसकी रीजन ये कि हम थोड़ी बहुत तो डाइट का ख्याल करेंगे ना। हाँ, थोड़ा बहुत आखिर में कर लेंगे ना, जैसे लोग हमारे पाकिस्तानी हैं जो भी कुछ भी कर लें तो वो ग्रीन टी पी लेते हैं या इस तरह की चीजें कर लेते हैं ना, तो हमने हमारा भी वही सीन है, हमने स्प्राइट जीरो में एक तरफ तो हाथ उठा दिया है, तो थोड़ा कम कर लिया। तो हमारी मील आ गई है, तो साथ अच्छी चीज़ ये है, कोविड चल रहा है तो उन्होंने सैनिटाइज़र आपको साथ देते हैं। ये तो सबसे पहले हम आसिफ भाई के हाथ सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फार्मेसी पे होता हूँ, कई तरह के पेशेंट होते हैं मेरे पास। हाँ जी, तो दैट्स व्हाई इट्स कंपलसरी फॉर मी। हाँ, तो जल्दी से जरा अपने हाथ सैनिटाइज कर लूँ। आप देखते रहिए, हमारे। अच्छा जी, अब अपना हमारा मील आ गया। हाँ, हम निकालें जरा रैप अपने, अपना शवरमा निकालें। अच्छा, तो आप ये जरा इधर रख दें अभी, ये आपका है। हाँ, ये आप जरा इसको खोलें आप जरा। बिस्मिल्लाह, खोलना चाहिए। हाँ जी, खोलें। टेपा टूपा लाओ जरा, इससे पट्टी की होती मरीज को। ओके, ऐसे भाई फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ यार। कोई बात नहीं होता है। तो पाड़ के आपने फर्स्ट बाइट ऐसे मुँह में पानी है, और उसके मेरे मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी खा रहा है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये टाइम है बेसिकली खाना खाने का। तो ये पराठा नान पराठा जो भी है इसको हम खा रहे हैं। टोटरीला, इसके ऊपर वो जो सी ये ब्रेड होती है सारी। बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए पहले। जी बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ी थी, बाकी दिल च पढ़ ली थी। अच्छा जी, तो टोटरीला रैप जो हमारा ये रैप आया, रैप इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्राइज हैं, और इसके अंदर हमने जो सॉसेज लगवाई हैं चिपोटले, और उसके अलावा इसके अंदर ये फ्राइड चिकन के 2 मतलब पीसीज हैं, उसके अलावा ये सारी टोटरीला ऊपर ब्रेड लगी हुई है। और आसिफ भाई से पूछा है हमने कि भाई आसिफ भाई आपको कैसा लगा। आसिफ भाई ने अभी तो बताया नहीं है कि कैसा लगा। जी, मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट है। टेस्ट में 10 आउट ऑफ क्या आप रेट करते हैं इसको? मैं तो 10 आउट ऑफ 9 करूँगा। 9 करेंगे। अच्छा, अभी दूसरा चैलेंज ये है
कि आप इसकी जरा इसका जरा साइज देखें, ये इसका लार्ज साइज है, ठीक है, साइज इसका बहुत बड़ा है। अच्छा सुने सुने सुने, अभी आपका चैलेंज ये है कि आपने ना ये पूरा कंप्लीट खाना है, ठीक है, इसमें ये बचा के घर नहीं लेके जाना। वो इसकी रीजन ये है क्योंकि मोस्टली होता ही है कि ये पूरा खाया नहीं जाता। आप जब इतना खा लेते हैं ना, उसके बाद आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है खाने की। उसके बाद जब इतना खाते हैं तो आप थोड़ा सा कह लेते हैं अच्छा यार थोड़ा सा रह गया खा लूं, पर ये जो आखिरी दो तीन बाइट्स है ना, ये इतने को ओखे खत्म होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो आपका चैलेंज वाजिद भाई, मैं इंशाल्लाह आपके इस चैलेंज को फुल कंप्लीट करूंगा। चलें चलें, अभी आप खाएं ना, अभी आपने खा लिया 25% खा लिया जी जी, तो अभी देखते हैं जब इनका थोड़ा सा आखिर तक कितना चलता है और ये चैलेंज को एक्सेप्ट साथ ही इंशाल्लाह आपको खा के दिखाएंगे, क्योंकि भूख काफी लगी है मुझे अभी, लग जाएगा। यही देखना हमने, ये जो जज्बा है ना, ये आखिर तक रहेगा कि नहीं रहेगा। जज्बा इंशाल्लाह तक है, बेफिक्र हो जाए आप, बॉडी बिल्डर के जज्बे नहीं खत्म होते। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हां जी, भी कहाँ कितना खा लिया अभी तक, 50% हो गया? नहीं अभी तक मेरा आई थिंक 60-65% हो गया है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, जो हो जाएगा खत्म इंशाल्लाह? उम्मीद मुझे बहुत ही खत्म हो जाए, लेकिन वैसे वाजिद भाई ने कह के दिल को ना क्या कहते हैं भर गया, भरा जा रहा है यार। खाने के बाद इनके रिव्यूज देंगे कि खाने के बाद इनके कह रहे यार नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं खाने वाला। जज्बा जो था वो कम हो गया, कम हो गया। ये है हमारे पास जो स्प्राइट हम ये ले रहे हैं, इसके साथ नीचे कर रहे हैं, इसके साथ नीचे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा को तय लगती जा रही है। फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ, 20% पे आ चुके हैं। तो मुझे ये बताओ आसबे, वो मुकाम है जहाँ पे आके मोस्टली का दिल भर जाता है, वो कहते हैं यार चल एक कर बच्चे बस ले जाइए। हां ते हुन ये दसो जरा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? असल में मेरा ख्याल तो ये है कि घर बच्चों के लिए ले जाए। कितना वो नीचे आ गया जज्बा आपका अभी तक? अभी तक कह लेंगे जज्बा 75 पे आ गया, 70 पे आ गया और ये 80 पे आ गया। तो फाइनली बिल्कुल 10% रह गया ये जी जी, और ये आपके सामने खाएंगे हम? नहीं आपको सामने तो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं खाने के बाद आपको खाली रहता तो जरूर दिखाएंगे। नहीं 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 देखना आप बन जाए जंगली ऑफ द कैमरा। तो फाइनली आशा से ऐसे पहले मैंने खाया, अब भाई से, भाई का ये रैपर है, भाई ने कम्प्लीट कर लिया और बड़ी मुश्किल से कम्प्लीट किया जी, फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड इट। अब मुझे आप ये बताओ, मैंने जैसे कहा था कि ये खाना, वो जो मैंने आपको परसेंटेजेस बताई थी, उसमें कितने परसेंट सच्चाई है? उसमें आप कह लें कि 95% सच्चाई है। और ये इसको कंप्लीट करने के पीछे ये स्प्राइट का हाथ। अब मैं आपको गोज टू स्प्राइट, मैं आपको सच बात बताता हूँ। देखें इसको टेक्निक खाने की क्या, ये जो भाई कह रहे हैं ना कि क्रेडिट गोज टू स्प्राइट, बेसिकली जैसे वो शादी का फार्मूला आता है ना के ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੈਪ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਇਸਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਕੀ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਸੇ चला फिरा नहीं जा रहा, तो कह रहे हैं बड़ा इजी फील कह रहे हैं कि मैं, मुझे ना थोड़ा सा बाहर लोग अभी अपने वेस्टेज फेंकने के लिए आए हुए हैं। हां जी, ये देखें ना, क्लीन क्लीन लाहौर उन्होंने फेंक दिया। अब ऐसा है कि थोड़ा सा एक हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, इसके ना पार्क है हमारे साइड पे, लेकिन अभी इस टाइम तो बंद है वो, लेकिन हम सड़क के ऊपर थोड़ी सी वॉक कर लेंगे, रोड वॉक हो जाएगी ना थोड़ी सी। हाँ हाँ, ताकि थोड़ा सा वो नीचे हो जाए, फिर उसके बाद उसके पास कुछ स्प्राइट भी है तो रिमेनिंग रह गई है। हाँ, इसी स्प्राइट ने इनको मरवाया। अच्छा जी, तो फाइनली वॉक शॉक भी हो गई है, सब थोड़ा सा लग चल गया है अब सांस सांस में भी। हाँ, तो अब ऐसा है कि अभी आसिफ भाई को वापस करेंगे ड्रॉप और जाएंगे घर। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वाजिद भाई को चल गया? नहीं 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 नहीं, अपना नहीं नहीं नहीं, ये आपको लग रहा होगा इनको ठंड भी लग रही है। देखिए मैंने अपर पहना, मुझे कुछ सर्दी लगेगी और मैं अभी चिल हूँ, नो डाउट। तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।